करेंगे चैप्टर 3 के इमेज की गेंद के क्वेश्चन आंसर्स। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करके बता दिया था मीनिंग के साथ, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। इस क्वेश्चन का मतलब है कि दीपक ने कौन से सबूत बताए थे अब उस बॉल को अपना बनाने के लिए, मतलब उस बॉल को लेने के लिए। तो फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे, दीपक ने उस गेंद के बारे में बताया था कि उस गेंद पर जो लाल रंग का दाग था वो उसकी गेंद पर भी था। सेकंड नंबर आप लिखेंगे, दीपक ने कहा था कि वो अपने पापा से बुलवा सकता है कि ये गेंद उसकी है। थर्ड नंबर आप लिखेंगे कि उसकी गेंद से भी वैसी ही आवाज़ आती थी जैसे उस किरमिच की गेंद से आती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते, ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि अगर दीपक और दिनेश आपके पास आए फैसला कराने तो तुम गेंद किसे दोगी, ठीक है, देती आप गेंद किसको देती, ठीक है, देते या देती, यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। यानी तुम आप ये भी बताइए कि आप ये फैसला किन किन बातों को ध्यान में रख के करेंगे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि मैं उसको उस गेंद को क्लब में दे दूंगी ताकि हर सारे बच्चे उस गेंद से खेल सकें। ओके, तो आपके लिए शॉर्ट भी रहेगा और ये एग्जांपल भी बहुत अच्छा है। तो चलते हैं गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वो गेंद जिसके स्कूटर में गई थी उसने अपने बच्चों को दे दी होगी वो गेंद, फिर उनके घर से कहीं और चली गई होगी, इस तरह से आप कहानी बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है, मान लीजिए अगर आपके घर में आपका कोई भी खिलौना कार टॉय मतलब कार कोई सेट खो गया आपका खिलौने का, तो आप अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे तो उनको आप कौन सी पहचान बताएंगे अपनी खिलौने की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है मेरी एक गुड़िया खो गई है, तो मैं अपने साथियों को घर पर बुलाकर उन्हें बताऊंगी अपने गुड़िया के होठों का रंग, बालों का रंग, कपड़ों का रंग और आँखों का रंग। ठीक है, अगर आप चाहो तो और कोई भी निशानी बता सकते हो अपने खिलौने की। चलती है कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा, बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। ठीक है, तो बेल में आप लिख सकते हैं तरबूज, खरबूज, लौकी, सीताफल। ठीक है, और पौधे में आप लिखेंगे टमाटर, मिर्ची, गोभी और बैंगन। ठीक है, तरह तरह की गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में लिखो खेलों के अनुसार गेंद की सूची बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेट पहले से लिखा हुआ है और क्रिकेट में यूज़ होती है किरमिच की गेंद। ठीक है, किरमिच की गेंद रेड कलर की भी होती है और ग्रीन कलर की भी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है फुटबॉल, तो फुटबॉल में यूज़ होती है रबड़ की बॉल। टेनिस,
सॉरी वॉलीबॉल में यूज होती है रबड़ की बॉल, टेनिस में यूज होती है रबड़ की बॉल, हॉकी में भी रबड़ की बॉल यूज होती है, फुटबॉल में रबड़ की भी होती है और चमड़े की भी होती है। ठीक है, जो आसपास दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। क्वेश्चन नंबर वन, चिक पर्दा पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। आप देख सकते हो यहाँ पर फोर वर्ड्स दिए हुए हैं, टहनी तना, घूस चूहा, पेड़ पौधा, मुंडेर चार दीवारी। ठीक है, मैं आपको इनका मीनिंग बता देती हूँ। टहनी, टहनी जो पेड़ के पेड़ की ब्रांच से जो पतली पतली लकड़ियाँ निकलती हैं जिसपे पत्ते आते हैं उनको बोलते हैं टहनी। और तना, तना उसको बोलते हैं जो नीचे से जो हमारा स्टम्प होता है, जहाँ बीज का जो ऊपर का एरिया होता है मोटा मोटा, उसको बोलते हैं तना। घूस और चूहा, घूस चूहे से थोड़ा बड़ा होता है और चूहा थोड़ा छोटा होता है। घूस की चोंच भी थोड़ी सी चूहे से लंबी रहती है। पेड़ और पौधा, पेड़ पेड़ के पेड़ में एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पेड़ में आएगा आम, अमरूद, इस टाइप के पेड़ होते हैं इनके। और पौधे, पौधे में आ जाएगा हमारा भिंडी टमाटर बैंगन मिर्ची। ठीक है, ये सब पौधे होते हैं, ये सब पौधे पे लगते हैं। मुंडेर और चार दीवारी, तो मुंडेर का मतलब होती है बाउंड्री और चार दीवारी का मतलब ऐसी जगह जो चार दीवारों से घिरी हो, दीवारों से घिर रखी हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चिक सरकंडे और से भी बनती है और तिल्लियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्नीचर, कलम, चटाई और टोकरी। ठीक है, आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे फोर ही लिखी है बिकॉज फोर डैश है। नेक्स्ट, क्लब बनाए, क्लब बनाने की बात हो रही है इस तरफ, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। इसमें बस यही बात हो रही है कि आप अपने दोस्तों के साथ क्लब बनाकर खेल सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दो तीन, दिनेश ने तीन मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में तीन मंजिलें हों उसे तीन मंजिली इमारत कहते हैं, बताओ इन्हें क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जिस मकान में दो मंजिलें हों, जिस घर में दो फ्लोर्स होंगे तो उनको कहेंगे हम दो मंजिली मकान। जिस स्कूटर में दो पहिए हों, जिस स्कूटर में दो टायर्स होंगे उनको हम बोलेंगे दुपहिया स्कूटर। जिस झंडे में तीन रंग हो, जिस झंडे में तीन रंग होते हैं उसे हम बोलते हैं तिरंगा झंडा, जो कि हमारा नेशनल फ्लैग भी है इसीलिए हम उसे तिरंगा बोलते हैं। ठीक है, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर चार राहें मिलती हो, चौराहा, जिस जगह पे हमें चार रास्ते मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं चौराहा। जिस स्कूटर में तीन पहिए हो उसे बोलते हैं हम तिपहिया स्कूटर। इसी के साथ हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।